focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class businesses. Big Tech. उस कार्यक्रम के दौरान पथराव होता है, उस पथराव के बाद मुंबई बंद होती है, महाराष्ट्र बंद का ऐलान होता है और हिंसा होती है। आम आदमी की जिंदगी पर शायद अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं तो कोई असर नहीं होता है, लेकिन वहां की जनता पर होता है, मुंबई की जनता पर होता है। जो रेडी पटरी वाला है उसकी एक दिन की आमदनी चली जाती है, बंद का ऐलान हुआ है। आम इंसान पर पथराव होता है, आगजनी होती है। यह है भीमा कोरेगांव। दलित अपने राइट्स, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, एक तरह से अपने इतिहास को एक नए एनवायरनमेंट में, एक नए वातावरण में लोगों के सामने रखना चाहते हैं। उनको रखने की एक तरह से अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि कुछ सवर्ण समझते हैं कि ये उनके खिलाफ है। ये हुआ भीमा कोरेगांव। पिछले हफ्ते एक बस चलती है गुड़गांव से, उस बस पर पथराव होता है। पथराव कौन करता है ये अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन करनी सेना ने ऐलान किया है कि हम पद्मावत पिक्चर या पद्मावती पिक्चर नहीं दिखाने देंगे, और उसी वजह से इस तरह के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और एक बस पर पथराव करते हैं। तीसरी घटना कासगंज में होती है, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे का रन है आज अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, आप कासगंज जा सकते हैं। उस कासगंज में 26 जनवरी का फंक्शन है। उस फंक्शन के दौरान एबीवीपी के एक्टिविस्ट एक तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं। उस तिरंगा यात्रा के अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो तिरंगे के साथ भगवा झंडा भी है, उस भगवे झंडे के साथ नारेबाजी भी होती है। और जब वो मुस्लिम मोहल्ले से गुजरती है, जबकि वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दी है कि इस तरह की यात्रा आप निकाल सकते हैं, और मुसलमान समुदाय भी अपना तिरंगा यात्रा वहां निकालना चाहते हैं, वो तिरंगा यात्रा वर्ड नहीं यूज करते, लेकिन वहां एक अब्दुल हमीद चौक है जहां वो भी एक तरह से अपना देशभक्ति का प्रमाण दिखाना चाहते हैं, लेकिन नारेबाजी होती है, झड़प होती है, गोली चलती है, एक व्यक्ति की मौत होती है। और दूसरे दिन जो बहुत कम अखबारों में आया है, एक लड़के की आंख चली जाती है, एक मुसलमान लड़के की आंख चली जाती है, एक हिंदू व्यक्ति की जान चली जाती है, और यह है कासगंज। तो 3 घटनाएं होती है, भीमा कोरेगांव जहां देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने आज तक उन व्यक्तियों को अरेस्ट नहीं किया है जिन्होंने इस घटना की एक तरह से जिन्होंने यह हिंसा शुरू की, जो गैंग लीडर है किसी को टच नहीं किया है, जो छोटे लोग हैं उनको अरेस्ट किया, करनी सेना के किसी भी व्यक्ति को आपने टच नहीं किया, क्योंकि राजस्थान में चुनाव हो रहा है। और कासगंज में आपने एक ऐसा एक माहौल बनाया है जहां अब मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर आपने न केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है, आपने कह दिया एक उपाध्याय व्यक्ति है उसकी भी मौत हुई है, क्योंकि आप हिंसा और भड़काना चाहते हैं। कहां है यूपी सरकार कासगंज, कहां है महाराष्ट्र सरकार भीमा कोरेगांव में, और कहां है हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार जब करनी सेना रास्ते पर चलती है? अरे महात्मा गांधी को छोड़िए, आप इतने विफल हैं कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और आप एक पिक्चर भी नहीं चलने देते हैं, आप उस दलित एक्टिविस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते जब वो अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं वहां, और जब यात्रा रिपब्लिक डे पर निकलती है तो आप हिंदू मुसलमान समुदाय में दोनों को साथ लेकर नहीं चल पाते हैं, लेकिन दोनों को डिवाइड करते हैं। क्या करते गांधी ऐसे समय में, मैं नहीं जानता। वो
कोई नहीं जानता कि आज की तारीख में गांधी करते क्या, हताश होते, घर बैठ जाते शायद, लेकिन नहीं, महात्मा गांधी मुझे लगता है पहले भीमा कोरेगांव जाते, दोनों समुदाय के साथ बैठते, बात करते, मराठा हो या दलित हो, करनी सेना को अगर इतना क्रोध है कि राजपूत ऑनर उनका को ठेस पहुंची है तो गांधी वहां भी जाते, उनसे भी बात करते, वहां की संजय लीला भंसाली और करनी सेना के बीच वो बातचीत करवाते और उनके बीच सुलह करवाते। और अगर कासगंज हुआ होता तो वो दिल्ली में नहीं बैठते या लखनऊ में नहीं बैठते, वो कासगंज के बीच बैठते और कहते मैं यहां से नहीं हटूंगा जब तक ये आगजनी बंद नहीं होगी। ये महात्मा गांधी, आप बताइए, आपके एक कायर सेना को आप नहीं टुकरा, करनी सेना जो कायर सेना है आप उसको भी एक तरह से टकराव नहीं दे पाते। आप कहते हैं आपकी छाती 56 की है, आपकी छाती 12 इंच की है, महात्मा गांधी की छाती, महात्मा गांधी आप तस्वीरों में देखिए उनकी छाती 12 इंच 18 इंच, वो तो असली गुजराती थे, बड़े कमजोर व्यक्ति थे, छाती कभी उनकी बड़ी नहीं होती थी लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। और ये फर्क है, छाती बड़ी होने से आप कुछ नहीं कर सकते आज के जमाने में, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में नेताओं का जो दिल है बहुत ही छोटा है और छाती बहुत बड़ी है, और उनमें और महात्मा गांधी में यही फर्क है। दूसरा फर्क जो आप देखेंगे आज की तारीख में, आप सोचिए कि मृदुला जी ने एक बड़ी बात कही, एक शब्द है और वो बनारस से ही उठा हुआ शब्द है, संवाद, डायलॉग। आज के जमाने में डायलॉग को ही नहीं चाहता, संवाद नहीं चाहता, विवाद चाहते हैं। आजकल तो हम डिस्कोर्स करते हैं, हम डिबेट नहीं करते। टेलीविजन स्टूडियो में कभी आप आइए, एक दूसरे में किस तरह से टकराव बढ़ाना है यही करते हैं। हिंदू को रखिए, मुसलमान को रखिए, झगड़ा करिए, एंटरटेनमेंट करिए, अपनी टीआरपी बढ़ाइए। गांधी जी को टीआरपी की जरूरत नहीं थी, उनकी टीआरपी अलग हुआ करती थी, ही हैड टेलीविजन रिस्पेक्ट पॉइंट्स, उनको रेटिंग की जरूरत नहीं थी, उनको ना टेलीविजन कैमरा पर आने की जरूरत नहीं थी, लोग उनके साथ जुड़ जाते थे। और जुड़ते क्यों थे, क्योंकि वो संवाद चाहते थे, उनको ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात सुनने सुनाने की आदत नहीं थी, वो जनता की बात सुनना चाहते थे। आज की तारीख में लोग दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते, अपनी बात रखना चाहते, ये गांधी और आज के नेताओं में फर्क है, वो जनता की बात सुनते थे। आप अगर कहीं गांधी के फोटोग्राफ्स देखिए, गांधी जी को मंदिर जाने की जरूरत नहीं थी कि मैं हिंदू, वो घर में बैठकर अपने आश्रम में बैठकर यू विल सी हिम इन अ मेडिटेटिव पोस्ट। आजकल के नेता मेडिटेशन नहीं करते, या करते हैं तो दिखाते तो नहीं हमें। आज की तारीख में जैसे मैंने कहा, हम सुनना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू लिसन, वी वांट टू ओनली टॉक, एंड वी वांट टू क्रिएट अ देम वर्सेस अस सोसाइटी, सोसाइटी विच इज डिवाइडेड, कि आप हमारे, अगर हमारे बात अच्छी नहीं लगी तो आप हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हमने एक तरह से हर व्यक्ति को स्टीरियोटाइप कर दिया है, आप भक्त हैं, आप स्यूडो सेक्युलर हैं, आप एंटी नेशनल हैं, आप मुस्लिम अपीजर हैं। अगर आज महात्मा गांधी होते तो आज की जनता उनको एंटी नेशनल मुस्लिम अपीजर कहती, यहां तक बात आई। आज के सोशल मीडिया पर अगर गांधी कुछ कहते तो आप उन्हें ट्रोल करते, आज की नेताओं की ट्रोल आर्मी है। गांधी जी को ट्रोल आर्मी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों की बात सुनना चाहते थे। आप गांधी और अंबेडकर की डिबेट पढ़िए, 1930 के दशक में
हर बात पर गांधी और अंबेडकर के बीच में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब 1946 में नेहरू जी उनके पास आते तो गांधी एक बात साफ कहते हैं कि यू विल मेक अंबेडकर पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट, यू विल मेक हिम द फाउंडर ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बुलाते हैं, आप देखिए उस आदमी का दिल बड़ा कितना है. आज की तारीख में किसी नेता को कहिए कि चलिए विपक्ष के साथ बात करते हैं, समझौता करते हैं, कश्मीर में विवाद हो रहा है, चलिए साथ में एक ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं और जाते हैं कश्मीर साथ में और देखते हैं क्या कर सकते हैं. नहीं, सिर्फ मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी. आज तो ऑल पार्टी मीटिंग छोड़िए, केवल व्यक्ति पूजा होती है. एक व्यक्ति एक राय. मैं अगर चाहूं कल मैं डिमोनेटाइजेशन करूंगा देश का, देश को अगर 500 रुपए की नोट अच्छी नहीं अच्छी लगती है, 1000 रुपए की नोट अच्छी लगती है, लेकिन मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी. मैंने निर्णय लिया है, मैं किसी को कंसल्ट नहीं करूंगा. गांधी जी ने 1946 में नेहरू को कहा कि आपको अंबेडकर को कंसल्ट करना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को साथ में लेना है, सरदार पटेल को साथ में लेना है. आज हम क्या करते हैं, हमारे आज के इतिहासकार जो राजनीतिक इतिहासकार है वो पटेल और नेहरू में दूरी कैसे बढ़ाए उस पर जोर देते हैं. गांधी को किस तरह से एक तरह से छोटा दिखाया था उस पर जोर देते हैं. आजकल की दुनिया में मैं तो समझता हूं एक ना एक दिन हम गोलवलकर का कहीं स्टैचू ना लगा दे पार्लियामेंट में, जो 1948 में उन्होंने साफ कहा था कि मुझे संविधान में विश्वास नहीं है. आज हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं, एबीवीपी तिरंगा यात्रा, अच्छी बात है, तिरंगा यात्रा निकालना चाहिए, लेकिन एक बात आप जान के रखिए कि आप ही ने कहा था या आप ही के संघ परिवार ने एक जमाने में कहा था कि हमें तिरंगे में विश्वास नहीं है. वी डोंट बिलीव इन द ट्राइकलर, वी बिलीव इन द भगवान. आप झूठ मत बोलिए, ये सच्चाई है, ये हकीकत है. और ये हकीकत आपके सामने रखनी चाहिए. आप अगर गांधी की बात करें, ही वॉज अ प्राउड हिंदू, जैसे बनाया उन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं थी. ही वॉज अ बिलीविंग हिंदू, वो पूरी तरह से हिंदू अपने आप को समझते थे. वो अद्वैत फिलोसफी में, वैदिक फिलोसफी में हार्ड कोर बिलीवर थे. उन्हें हमारे नेताओं की तरह चुनाव आते हैं मंदिर जाने की जरूरत नहीं थी. आज के नेता जाते हैं मंदिर फोटो ऑप के लिए, गांधी जी को फोटो ऑप की क्या जरूरत थी. उनका हिंदुत्व अपने उनकी आत्मा में था. इट वॉज अ लिव्ड एक्सपीरियंस, इट वॉज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस, इट वॉज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर गांधी टू बी अ बिलीविंग हिंदू. ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट बिलीवर इन द काउ, इन काउ ही वर्शिप्ड द काउ. उनको गौ भक्ति में विश्वास था, लेकिन वो इस तरह के गौ रक्षक कभी नहीं होते जो कहते कि मैं अगर किसी ने गाय को मार दिया तो मैं उसको मारूंगा, कभी नहीं. आप गांधी के वर्ड्स सुनिए जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स होते हैं गौ रक्षा पर. गांधी ने कहा, यस आई एम प्राउड ऑफ अ हिंदू, यस आई बिलीव दैट देयर शुड बी अ बैन ऑन काउ स्लॉटर, लेकिन मैं कभी किसी मुसलमान को यह नहीं कहूंगा जैसे आज के नेता कहते हैं कि अगर आप बीफ खाएंगे तो पाकिस्तान जाइए. कैन यू इमेजिन महात्मा गांधी इवन थिंकिंग लाइक दैट. उन्होंने तो कहा कि काउ स्लॉटर डिबेट पर कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रहे, इसीलिए इट डिड नॉट बिकम अ फंडामेंटल राइट, कि हक नहीं किया कि देयर विल हैव टू बी काउ स्लॉटर. क्योंकि उनके पूरे जिंदगी में, और मृदुला जी ने बड़ी अच्छी तरह से कहा, एक सहनशीलता थी, एक टॉलरेंस था, एक स्पिरिट था सहनशीलता का, एक उदारवादी सहनशीलता. और वो जानते थे कि ये देश हिंदू पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता. यही आइडिया ऑफ इंडिया गांधी की थी, दैट दिस कंट्री कैन नॉट बिकम अ हिंदू पाकिस्तान, कि केवल एक धर्म के का संविधान बनेगा. संविधान सब भारतीय के लिए बनेगा. अगर आप मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, मैं हिंदू हूं लेकिन मैं आपके साथ बैठूंगा, आपके साथ संवाद करूंगा. उसके बाद अगर आप तैयार रहे काउ स्लॉटर बिल लाने के लिए तो जरूर लाइएगा, लेकिन मैं आप पर किसी चीज थोपूंगा नहीं.
ये उनमें और आज के नेताओं में फर्क है।